बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। रामचूला परिसर में हिट एंड रन मामले में आरोपी कार चालक सवार रितिका मालू और माथुरी साटा को तहसील थाने के उप निरीक्षक परशुराम भोवाल द्वारा सहयोग करने का आरोप सोमवार को पत्र परिषद में लगाते हुए तुरंत निलंबन करने की मांग जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी ने की है। आरोप है कि भोवाल घटना के दिन मौके पर पहुंचे और उनके पहुंचने के बाद आरोपी रितिका मालू और माथुरी साटा घटनास्थल से गायब हो गई थी। साथ ही ये भी आरोप है कि उनके सहयोग से कार के अंदर से शराब की बोतलें बाहर फेंकी गई। दोनों महिलाओं को थाने ले जाने के बजाय घर जाने की अनुमति दे दी गई। पत्र परिषद में मृतक युवक मोहम्मद आतिफ और मोहम्मद हुसैन के परिजन उपस्थित थे। सिद्दीकी का कहना है कि रितिका और माथुरी घटना के दिन शराब पीकर थी, यह सिद्ध हो चुका है। बावजूद पुलिस रितिका मालू को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। रितिका विदेश भागने की तैयारी में है। पुलिस ने बिना सुपुर्नामे के उसकी दुर्घटनाग्रस्त कार उसके परिजनों के हवाले कर दी है। यह कार जाफरनगर रिंग रोड पर एक गैराज में है। तहसील पुलिस आरोपी रितिका मालू और माथुरी साटा को बचाने का प्रयास करी है। कार से शराब की बोतलें दूसरे वाहन में रखने के कारण दोनों आरोपी महिलाओं के पति पर सबूत नष्ट करने की कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने जानकारी होने के बाद भी अज्ञात आरोपी पर मामला दर्ज करने का मृतकों के परिजनों पर दबाव डाला है। पहली रात को जब घटना घटी थी, जगह पर तहसील पुलिस स्टेशन के PSI परशुराम भवाड़ पहुंच चुके थे। उनकी बाकायदा आरोपी के साथ में फोटो मौजूद है। PSI भवाड़ जब जगह पर पहुंचे, उसके बाद रितिका भवाड़ द्वारा ये बताया गया हमें कि उसके बाद रितिका मालू ने फ़ोन करके अपने हस्बैंड को जगह पर बुलाई। घटना घटी थी रामझूला मेयो हॉस्पिटल के पास। वहां से वर्धमान नगर देशपांडे लेआउट, जो कि रितिका मालू का घर है, वो कम से कम 15 से 20 मिनट का रास्ता है। घटना जब घटी जगह पर, आतिफ और हुसैन, जिसमें से आतिफ की हुसैन की मौत जगह पर हो गई थी और आतिफ की मौत अगले दिन उपचार के दौरान हुई। इतनी गंभीर स्थिति में दोनों लड़के वहाँ पर पड़े हुए थे, लेकिन PSI भवाड़ को पहले इन लोगों को सुरक्षित करना ज़रूरी नहीं लगा। उनको मर्सिडीज चलाने वाली हाई प्रोफाइल घराने की रितिका मालू और माधुरी सारडा को अपने घर पे भेजना ज़्यादा ज़रूरी लगा। पुलिस के मुताबिक, जो तहसील पुलिस के PI है, वो अपने PSI को ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि भवाड़ को लगा कि माधुरी के ऊपर और रितिका के ऊपर कोई मॉब अटैक ना कर दे, इसलिए भवाड़ ने उनको जगह से भिजा दिया। जबकि अगर लॉजिकली ये चीज़ को सोचा जाए, 15 से 20 मिनट का रास्ता मालू के घर से रामझूले का है। कम से कम 15 से 20 मिनट दिनेश मालू को, जो इनके भवाड़ द्वारा में बताया गया कि शिशिर सारडा और दिनेश मालू जगह पर लड़कियों को लेने के लिए आए थे, 15 से 20 मिनट का वक्फा लगता है। तब तक के मालू वहाँ पर सुरक्षित रही। लड़कियाँ नशे में थी, फिर भी पुलिस द्वारा शो किया गया कि लड़कियाँ दारू पी करके नहीं है। ये पहले दिन की घटना है। इसके बाद में माननीय सम्माननीय DCP गोरख भामरे साहब, जो के जोन नंबर 3 के DCP है, उन्होंने अगले ही दिन नागपुर टुडे में एक तरीके से इनके पक्ष में स्टेटमेंट दे दिया आरोपियों के। उनका ये स्टेटमेंट आया DCP साहब का पहले दूसरे ही दिन के फर्स्ट स्टेज में लड़कियां दारू पी करके नहीं है। वहाँ हमको ये लगा कि पुलिस की पूरी प्लानिंग है कि पुलिस ये बता दे कि लड़कियां दारू के नशे में धुत नहीं थी, वो नॉर्मल हिट एंड रन का केस है। जिसके बाद हमने DCP साहब से मीटिंग करे। दारू की कलम क्यों लगाई गई, उसकी मैं आपको वजह बता रहा हूँ। हमारे हिसाब से हमको नहीं लगता कि पुलिस ने खुद होकर के दारू की कलम लगाई या पुलिस उसके ऊपर एफर्ट लगा रही थी। जब हमने DCP साहब से मुलाकात करके उन्हें ये बताया कि साहब कोर्ट के गवाह है, जिन्होंने खुद ये देखा है कि PSI भवाड़ द्वारा आरोपी के हस्बैंड को पहले हक किया गया, शराब की बोतलें ट्रांसफ़र करने में PSI भवाड़ ने भी अपनी बराबर योगदान निभाया, तो हमारी पहले दिन से लगातार DCP से, पुलिस आयुक्त से सबसे मांग चल रही है कि आप अपने पुलिस अधिकारी के भी ऊपर में कार्रवाई करिए। आज 24 फरवरी की घटना थी, अभी तक के PSI भवाड़ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिन दो लोगों ने आरोपियों को जगह से फरार करवा के ले गया था, शराब की कैंस गाड़ी में ट्रांसफ़र करी थी, उनके ऊपर अभी तक सेक्शन 201 IPC सेक्शन 201 और 107 के अंतर्गत आरोपी को मदद करने के मामले में, सबूत नष्ट करने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये हम समझ लें कि पुलिस विभाग द्वारा अगर छोटे अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो बड़े अधिकारी दूसरे छोटे अधिकारियों के लिए एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि कभी भी कुछ घटना घटती है तो टाइम पर तुम
आरोपियों की बिल्कुल बिंदास मदद कर दो। तुम्हारे जो उच्च अधिकारी बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा संरक्षण करने और सिर्फ तुम्हारे को जस्टिफाई करने के लिए बैठे हैं। अभी तक के एक भी कार्रवाई, जब हम इस बारे में डीसीपी साहब से बात करें, पीआई साहब से बात करें, तो उनका एक ही रहता है कि अरे नहीं तुम हमारे पीएसआई के बारे में कुछ मत बोलो। क्यों नहीं बोला जाएगा पीएसआई के बारे में? जो कानून आम जनता पे लागू होता है वही कानून आप लोगों के भी ऊपर में लागू होता है। जब परिजनों ने बात नहीं मानी तब रितिका मालू पर मामला दर्ज किया गया। जब मृतकों के परिजन पुलिस आयुक्त से मुलाकात करने गए तब उन्होंने मुलाकात नहीं की, जिससे पुलिस आयुक्त की भूमिका भी संदिग्ध होने का आरोप सिद्दीकी ने लगाया है। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग पत्र परिषद में की गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।